हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के छः महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूँगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है, और ये परिस्थिति रहती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, ट्रेजरी बंद हो रही है। ये भी पहली बार 6 महीने के इस कार्यकाल में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, शराब के ठेके खोलने पर जोर दिया है, और एक जगह ऐसी भी परिस्थिति देखने के लिए आई, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी के करीब शराब का ठेका खोला गया, इसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार ने आदेश इस प्रकार से कर दिए कि ठेका तो वही रखा, आंगनबाड़ी को बदलने के आदेश कर दिए। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सभी संस्थानों में इस प्रकार की परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में स्टाफ की अगर बात कहें, स्टाफ के अलावा हम दूसरी चीज़ों का हम जिक्र करें, उस पर सरकार का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के इस कार्यकाल में ये भी हमने देखा, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों को विधायक निधि मिलती थी, वो पिछले बजट की जो हमारी 50 लाख रुपए बजट की जो किस्त बची थी हमारी विधायकों की, विधायक निधि की जो जनता के विकास के लिए होती है, जनता के मांग पर विकास उसके माध्यम से किए जाते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है, और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है, और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल की जो सरकार रही है उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं।